नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना के चलते विपक्ष का हमले की। जी हाँ, एक और कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उसको लेकर के हमारा देश, अपना देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उसे त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन अपने देश में है कि राजनीति बाज नहीं आती है, राजनीति भी इस समय चरम सीमा पर है। एक और कोरोना बुरी तरीके से अपने पैर पसार चुका है। महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, या और दो स्टेट हैं तमिलनाडु की बात करें, जहां कोरोना ने बुरी तरीके से लोगों को जकड़ रखा है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी पूरी तरीके से हावी है। इस बीच एक और आपको खबर बताते चले कि आज के दिन मोदी सरकार ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि 5 साल पिछली सरकार के 14/5/19 और 19 में जो 26 मई को सरकार बनी थी उसका भी 1 साल पूरा हो गया, यानी कि अब 1 साल इस सरकार का और 5 साल पिछली सरकार का, 6 साल सरकार के हो गए हैं। और इस 1 साल की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां हैं धारा 370 को हटाना, GST लागू करना और तमाम ऐसे काम के जैसे जनधन उज्ज्वला योजना जैसे ऐसे तमाम योजनाएं लागू की गई देश में, जिससे गरीब गुर्गों को काफ़ी फायदा मिला है। लेकिन इन सबसे इतर अब जो राजनीति हो रही है वो जहाँ जहाँ सरकारें हैं उसका विपक्ष उस पर हमला बोल रहा। मसलन बात अगर हम महाराष्ट्र की करें, सबसे पहले बात अगर हम देश की करें, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा हमला बोला। उन्होंने कहा देश में लॉकडाउन फेल हो गया है और अब मोदी जी अगली रणनीति बताएं, प्रोग्राम प्लान बी बताएं। दूसरी ओर महाराष्ट्र की बात करें तो सुबह सुबह नारायण राणे जा करके कोश्यारी से मुलाकात कर लिए, राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और जो सरकार है महाराष्ट्र की, शिवसेना की, कांग्रेस और NCP की जो मिलकर सरकार बनी है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने यह सवाल महाराष्ट्र में उठाया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस आजकल फ्रंट फुट से खेल रही है, तो उसने भी पलटवार किया। उसने मध्य प्रदेश पर सवाल उठा दिए, कहा मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा आंकड़े हो गए हैं और यहाँ की सरकार विफल हो गई है। उधर कांग्रेस उत्तराखंड में भी यही सरकार उठा दिया कांग्रेस ने कि नहीं, यहाँ की सरकार भी फेलियर हो गई है, यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन लगे तो ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी सरकार को बांधने की कोशिश की। और हम इसीलिए कर रहे हैं, कोरोना काल में राजनीति एकदम चरम पर है और विपक्ष हमलावर है। जहाँ सरकार है उसके अगेंस्ट दूसरा जो पक्ष है वो पूरी तरीके से हमलावर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी में भी कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 5000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को लगातार घेर रही है, तो कांग्रेस ने भी BJP के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के लॉकडाउन वाली सोच पर सवाल खड़े किए और लॉकडाउन के चारों चरणों को फेल बताया। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। PM मोदी को बताना चाहिए कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा, कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है, अब बताइए आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है, लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी,
जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी। कांग्रेस के नेता एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट एनसीपी के देते हैं और तीसरा ही निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी जो घोषित करते हैं उसकी जगह तीसरा ही निर्णय हमको होते हुए दिखाई पड़ता है। रोज एक जीआर निकलता है वो पीछे होता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। राहुल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी शुरुआती वक्त में फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखे, लेकिन अब तो बैक फुट पर हैं। लेकिन पीएम मोदी को फिर से फ्रंट फुट पर आना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पूरी दुनिया जब लॉकडाउन हटा रही है तो वहां केस कम हो रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ केस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन हट रहा है। बता दें कि केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र में राहुल तो यूपी में प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उत्तराखंड में भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार के खिलाफ कमलनाथ एक्टिव हो चुके हैं। विपक्ष कोरोना संकट काल में इस मुद्दे को सियासी हथियार बनाने में जुट गया है। विपक्ष सवाल पॉलिटिक्स में कितना सफल होगा, कोरोना का मुद्दा विपक्ष के लिए कितना कारगर होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो पूरे देश में विपक्ष ने हमला बोल दिया है। केंद्र की सरकार पर विपक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला, मध्य प्रदेश में अभी अभी सरकार गवा चुके कमलनाथ ने शिवराज पर हमला बोला, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, और महाराष्ट्र की तो बातें क्या करें, सीधे सीधे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह दी गई। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जयप्रकाश पांडे जी जुड़े हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका पांडे जी। संजय द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजा रिजवी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े चुके हैं, मंत्री प्रसाद नैथानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। नैथानी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे पांडे जी का। जयप्रकाश पांडे जी, क्या है, विपक्ष ने पूरी तरीके से हमला बोल दिया है, चाहे आपकी सरकार, चाहे आपकी पार्टी विपक्ष में हो वहां भी, या कांग्रेस जहां विपक्ष में हो उसने भी। प्रदीप जी देखिए, ये निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और इस देश में जब भी राष्ट्र पे प्रतिरक्षा के स्तर पे कोई संकट आया हो या प्राकृतिक विपदा आई हो, ये पहली बार नहीं हुआ। और हमारा जहां तक इतिहास रहा, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, और आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको हमारा भी इतिहास उठा के देखना चाहिए कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी, पीएल 480 गेहूं जो अमेरिका ने सप्लाई बंद कर दी थी, जब उन्होंने दो रोटी का आह्वान किया था, तब भी हम जनसंघ के रूप में थे, और भाजपा जब भी इंदिरा जी के 71 का युद्ध हुआ या जो भी संकट आया, तो हमेशा हम कंधे से कंधे मिला के, उस समय हम तुच्छ राजनीति नहीं करते थे। और कांग्रेस के लोग इस वैश्विक विपदा में मोदी जी का जो काम है वो दुनिया जान रही है, वो ऐसी बच्चों वाले तर्क दे रहे हैं कि भारत में बढ़ रहा, बढ़ तो दुनिया में है और बढ़ेगा। सारा फोकस हमारा ये था कि सामुदायिक संक्रमण हम ना करने दें, जो डबल होने की रफ्तार है वो हम कम करें, और लॉकडाउन से हम स्वास्थ्य के बुनियादी संरचना का ढांचा खड़ा कर लें। उसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार सफल हुई है, विपक्ष के भी काफी जैसे केरल में हमारे निश्चित रूप से सबसे चिर वैचारिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा की जाती है, कम्युनिस्ट सरकार है। अब अगर महाराष्ट्र में फेलियर है, दिल्ली में फेलियर है जो साफ साफ दिख रहा है, तो उस पे उनको मतलब अपने बचाव में कुंठा में आके आदरणीय मोदी जी पे प्रश्न चिन्ह लगाना, लॉकडाउन को फेलियर करना, ये निश्चित रूप से उनके हताशा को दर्शाता है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको साथ मिलके इस कोरोना के विरुद्ध लड़ना चाहिए, वक्त आएगा राजनीति कर लेंगे। ठीक ठीक है, वक्त आएगा राजनीति कर लेंगे, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, अभी राजनीति मत करिए भाई, आप लोग सब लोग राजनीति कर रहे हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी साहब का रुख करेंगे। नैथानी साहब, आपने भी वहां भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तराखंड में, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है, कह रहे सरकार फेलियर है, कोरोना पैर फैला रहा है और आप लोग राजनीति कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि ऐसे समय पे जो विश्व आपदा है, इसमें जो भी राजनीति करेगा वो पब्लिक सब समझ रही है। इसमें ज़्यादा मुंह धो के गोरे नहीं होते हैं, लेकिन जो आज स्थिति उत्तराखंड में है वो इतनी भयावह है कि आज जो हमारे प्रवासी भाई जो विभिन्न राज्यों से जैसे तैसे करके अपने घरों में पहुँचे हैं, गांव में पहुँचे हैं, आज उनकी व्यवस्था पर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहीं राजनीति का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। राहुल गांधी जी अगर ये पूछ रहे हैं कि जो लॉकडाउन 4 है, इस लॉकडाउन 4 में 3 तक के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उससे कोरोना बढ़ा है, तो उसका कोई उपाय बताइए, इसमें राजनीति क्या है भला। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमारे प्रदेश में कुल मिलाकर के जो हमारे सब सेंटर हैं 1847 हैं, जो हमारे बेस अस्पताल हैं वो 20 हैं, CHC जो हैं 95 हैं, PHC जो हैं 257 हैं, और उस तरीके से जो हमारे गाँव की संख्या है 16,882 है, जिसमें हमारी ग्राम पंचायतें जो हैं 7,950 हैं। अब जो प्रवासी हमारे विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड में बुलाए गए आए हैं, जैसे कैसे आए जरा उनकी आत्मा से पूछिए, आज वो गांव में क्वारंटीन रखे हुए हैं। सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, तुगलकी फरमान, कि प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है और प्रधान जो बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्था अपने यहाँ क्वारंटीन सेंटर के रूप में अपने स्कूल में करें या पंचायत घर में करें, लेकिन करें। लेकिन जो डिजास्टर मैंने हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा है वो गया कहाँ? प्रधान के पास कौन सी ऐसी तनख्वाह है या प्रधान के पास कौन से ऐसे अधिकार हैं, क्या ऐसे सोर्स हैं जो कि वो तुरंत एट रेंडम जो है गांव में अगर 20 हमारे प्रवासी भाई आ गए तो उन 20 गांव 20 लोगों को रखने की व्यवस्था किस तरीके से करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। मैं तो अपने आएंगे दोबारा से आपके पास, स्थानीय प्रशासन को, अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सिंग स्टाफ को मैं धन्यवाद दूंगा। नहीं, लेकिन सवाल जो है उत्तराखंड में, ठीक है नेता साहब, दोबारा से आपके पास आएंगे, जरा हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ में है, शिवसेना के प्रवक्ता है। संजय जी क्या कहेंगे आप, राजनीति चरम पर है, चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। मैं शिवसेना ने हमेशा ये बात कही कि हम कोरोना के महामारी काल में राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से नारायण राणे जी राज्यपाल जी से मिलते हैं, कहते हैं साहब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कोरोना जो आया है वो आया कहाँ से? नमस्ते ट्रंप आपने किया, मध्य प्रदेश सरकार गिराने में आप रहे, हवाई यात्रा आपने बंद नहीं की, अगर आज कोरोना आया है और इसके पहले हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी गाइडलाइन थी, पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, चौथे में उन्होंने जरूर कहा कि मुख्यमंत्री लोग स्टेट में अपने हिसाब से काम कर लें। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए जब वहाँ ट्रेन चलाने के लिए पहले लॉकडाउन में मांग की थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो कार्य कर रहे थे। आज सबसे बड़ा जो दुख का विषय है हिंदुस्तान में वो ये है कि माननीय मोदी जी के जो मंत्री हैं वो 50 दिन तक सोते रहे। जैसे माननीय मोदी जी हर मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, अगर आपको पता होना चाहिए, आप मंत्री हैं देश के, आपको नहीं पता क्या महाराष्ट्र में कितने प्रवासी भारतीय मजदूर हैं, गुजरात में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, या हर स्टेट में कितने प्रवासी मजदूर हैं? ये अगर लॉकडाउन हमारा बढ़ जाता है तो देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, जो बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से मजदूरों को भगाया जा रहा है, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कि चाहे लखनऊ हो,
चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे कर्नाटक हो, ये निश्चित मान लीजिए जब लॉकडाउन ज्यादा दिन बढ़ा, ज्यादा दिन के लिए बढ़ा, तो जो मजदूर था वो पैनिक हो गया। पैनिक होने की वजह से वो सड़कों पे निकला। छोटा सा कह रहा हूँ, पैनिक होकर सड़कों पे निकला। अगर माननीय प्रियंका गांधी जी ने बसे उनको देने के लिए कहा और 1000 बसें देने का वायदा किया और 1000 बसों में 500 बसें थी, तो मैं उस दिन भी देख रहा था एक चीज कि उसमें कम से 5-7 हजार श्रमिक जो सड़कों में घूम रहे थे। अगर आपको उनसे बसें नहीं लेनी थी कोई बात नहीं, मत लेते, लेकिन अपनी बसें लगा के कम से कम उन मजदूरों को, उन मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचा देना चाहिए था। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। 200-300 देगी, लेकिन आपने सारे नेताओं की बात सुन ली, सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों की बात सुन ली, क्या कहेंगे अब आप? हाथ जारी है राजनीति कोरोना के ऊपर भी। देखिए, आज जो राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ की है, वो हमें लगता है कि बहुत ही जो है वो अब लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अच्छे घराने से हैं, लेकिन बहुत ही अपरिपक्व, इमेच्योर। पहले ही उन्होंने कहा कि साहब 21 दिन के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहीं नहीं कहा कि साहब 21 दिन के में जो है वो हम जो है कोरोना के लिए, कोरोना को दूर भगा देंगे, जीत लेंगे। उसके बाद ये फौरन फौरन ये कह देना कि साहब फोर्थ जो लॉकडाउन है इसमें जो है बहुत तेज़ी से जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ रहे हैं। ये पूरा देश जानता था कि कोरोना वायरस के मरीज़, जाहिर सी बात है कि जब वो चैन बनाएंगे तो बढ़ेंगे। और इसी तरीके से मैं महाराष्ट्र में कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को, हमारे शिवसेना के हमारे अच्छे लायक दोस्त हैं, बुरा नहीं मानेंगे, वहाँ भी उद्धव ठाकरे जो है वो इमेच्योर लीडर हैं। उनमें जो है वो राजनीति आज भी इतनी ट्रेन वहां पर पहुंची, ट्रेन वहां खड़ी रही और वहां से मजदूरों को बस से ला करके स्टेशन नहीं भेजा गया। आप समझिए, रेल मंत्री ने कहा इसके लिए कि ट्रेनें मेरी खड़ी हैं, मजदूर यहां आना चाहते थे, उनको आने नहीं दिया गया। और आप समझिए कि उन्होंने उस तरीके से, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उन पर ठीक से पैसा नहीं खर्च हुआ। अगर खर्च होता तो ये मजदूर वहां परेशान नहीं होते। ठीक, हम सवाल आपसे जरूर करेंगे, हम पांडे जी का रुख करेंगे, जयप्रकाश पांडे। जयप्रकाश पांडे जी, एक और कोरोना पूरी तरीके से पैर पसार रहा है, लगातार 1.5 लाख के ऊपर संक्रमित केस हो गए। हालांकि अच्छी बात है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी पीछे नहीं रहे। हमने इसमें भी विश्व के 10वें पायदान पर हम आ गए, यानी कि भारत कभी किसी चीज में पीछे नहीं रहता और उसमें भी आगे बढ़ रहा धीरे धीरे। और वो ऐसे समय में नारायण राणे का राज्यपाल से मिलना और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना कितना सही है? अब देखिए, दो सवाल है आपके। जी, तो कोरोना के बढ़ने का जो तथ्य है तो ये निश्चित रूप से बढ़ रहा, लेकिन अगर ध्यान दीजिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन शुरू किया था 25 मार्च को 3 दिन में डबल हो रहा था, और दुनिया भर के विशेषज्ञ इसी पे फोकस करते हैं कि इसकी चेन टूटे स्लो हो, जो ये डबल होने की जो गति है वो अगर स्लो हो गई तो आप सफल है। ठीक है, तो इस समय जो औसत हमारा है वो 10 दिन हो गया और कई राज्यों में तो 20-20-30 दिन हो, 14 दिन तो है। हम उसमें हद तक विश्व की रणनीति की सापेक्ष देखा जाए तो सफल है, विफल नहीं है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी सतर्क कह रहे हैं वो बात ठीक है आपकी, होगी ऐसे समय में जब पूरा विश्व, एक विश्व के 180 देश कोरोना से पीड़ित है, महाराष्ट्र की सरकार में ये कहना कि सरकार असफल हो गई, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं, अब देखिए, वो तो स्वाभाविक रूप से जो आंकड़े तथ्यार है, चूंकि प्रवासियों की जो चिंता व्यक्त की जा रही है देश भर में, तो स्वाभाविक है कि हमारी औद्योगिक नगरी मुंबई है, महाराष्ट्र में ही है, और वहाँ की सरकार अगर उनको विश्वास दिलाती तो वहीं से वो नहीं चलते, जिम्मेदारी उनकी भी है। और सबसे दुखद बात है कि वहाँ घनत्व तो बहुत ज्यादा है और वो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। अगर सामुदायिक संक्रमण फैल गया तो देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी। और अगर उसका नेतृत्व, क्या सवाल, क्या सामुदायिक संक्रमण फैलने का खतरा सिर्फ महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है,
चेन्नई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में आपकी सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल को कटघरे में खड़ी कर रही है। नहीं, वो विपक्ष के रूप में हमारा ये दायित्व है कि हम उनको सजग करें जी, और निश्चित रूप से सजग करने के उद्देश्य से राणे जी इस्तीफा मांग लेंगे आप जी? नहीं, इस्तीफा मांगने जाके क्या? अरे नहीं भाई, मेरे को मतलब थोड़ी ना, मैं इस्तीफा मांग लेंगे जाके भाई। इस्तीफा अगर मांगना है आपको, आप गुजरात मांगिए, आप मध्य प्रदेश मांगिए, आप सब जगह मांगिए ना, आप देश के राष्ट्रीय सदस्य को लाइए ना। अरे तो यही है फ्लाइट के लिए दो घंटा पहले पूरा विपक्ष अगर माननीय राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के साथ कि हम क्या करेंगे अगले लॉकडाउन के बाद हमारी रणनीति क्या बनेगी, तो ये पूछा गया गलत है कि विपक्ष का? विपक्ष क्या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्या? विपक्ष को आपने बिल्कुल बंद कर दिया गया? भाई मैं कह रहा हूँ, अगर अगर भारत जी, आपसे भी यही सवाल है, अगर महाराष्ट्र की सरकार फेल हो रही है और विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? महाराष्ट्र सरकार फेल हो रही है? नहीं, मैं इसी बात में चर्चा कर रहा हूँ आपसे। कोई कोरोना वायरस जो है वो महाराष्ट्र सरकार नहीं लाई है, या पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना में 5.5 लाख धरावी में श्रम एरिया में आते हैं, जो पहले 3 दिन आज 19 दिन में दूना हो रहा है, आज 19 दिन में दूना हो रहा है, नहीं आज 19 दिन में दूना हो रहा है। साधन हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा, अगर एक योग्य मुख्यमंत्री रहता तो हम मिसाल कहें। संजय द्विवेदी जी, देश का सबसे नंबर वन राज्य, आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी, जहां पर पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा है, और ऐसे प्रदेश में इस तरह से प्रवासी मजदूरों की हालत, आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? मैंने अभी क्या कहा आपसे? नहीं नहीं, मैंने अभी प्रदीप जी क्या कहा आपसे कि प्रवासी मजदूर ने पहला लॉकडाउन हुआ उसने समस्या देगी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हुआ, तीसरे में वो सब पैनिक हो गए थे। उत्तर प्रदेश में पेंडिंग बाहर निकल के वो नहीं आया क्या भाई? बाहर निकल के आए कि नहीं आए? पेंडिंग वाला किसे कहते हैं? सड़क पर जो मजदूर आ रहा है, पूरे देश पेंडिंग हुआ मजदूर, महाराष्ट्र के अलावा जो दिल्ली कैसे आ गया? 50,000 मजदूर कैसे दिल्ली में आ गया? दिल्ली कैसे आ गया? नीरव वो केजरीवाल हो गए, जो अच्छा है वो हम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने किया जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो गठबंधन की सरकार वहां चल रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम डिसीजन मेकर नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी वहां पर नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, पल्ला झाड़ लिया, मतलब सरकार में नहीं है क्या? नहीं नहीं, नहीं राहुल गांधी वो तीसरे नंबर की पार्टी है, अगर उन्होंने ये बात कही है सरकार में है। नहीं सुन तो लीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको ना जी। वो तीसरे नंबर की पार्टी है, वहां का जो हमारा महाराष्ट्र का जो उनके लीडर्स हैं उनके संग बैठ के बराबर, आज शरद पवार जी का बयान आया कि हम शिवसेना कांग्रेस एनसीपी एक साथ है, सरकार कहीं नहीं जा रही है, तो कैसे कहा जाता है? राहुल गांधी बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है जी? राहुल गांधी ने तो यही कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सीधा पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, पल्ला झाड़ लिया बहुत कायदे से जी, वो बोल रहे हैं राहुल गांधी खुद। नहीं राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ दिया, उनका जो वहाँ के लीडर है वो इसका जवाब देंगे ना? अरे सिर्फ नेता थोड़ा जवाब देंगे इसका? सिर्फ लीडर जवाब नहीं देगा ना स्टेट का? क्यों मामानी बिल्कुल
पांडे जी एक दो सवाल आपसे भी है, क्या गुजरात में इस तरह का कोई माहौल नहीं चल रहा? गुजरात में क्या नहीं पढ़े? गुजरात में हाईकोर्ट को बोलना पड़ गया, गुजरात में हाईकोर्ट को बोलना पड़ गया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए वहाँ पे, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा भाई? आपको सलाह माननी चाहिए भाई, आपको सलाह माननी चाहिए। जहाँ हाईकोर्ट, गुजरात का हाईकोर्ट कह रहा है की वहाँ पे गुजरात का मुख्यमंत्री फेल है, इतनी बड़ी बात हाईकोर्ट ने कह दी और आप उसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, आप महाराज के पीछे पड़े क्यों? बस सरकार बनानी हमको, जैसे मध्य सरकार गिरा के बनानी, लॉकडाउन देर में लगाया, हमने काम जल्दी लगाना चाहिए था। वक्त एक ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे थोड़ा नैथानी साहब का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की, इसके बदले में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में अब कांग्रेस वहां पर कह रही है कि सरकारें फेल हो गई है, इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगे तो न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि गुजरात में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में भी लगे, क्या इसके ये मायने हैं, राजनीतिक मायने यही है? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध, कोरोना का जिक्र है हमें आपकी फिक्र है, कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया Mount Litera Z School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Mundao. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे नैथानी साहब का। नैथानी साहब, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि महाराष्ट्र में राणे साहब ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी, तो इसीलिए क्या यही कारण है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के खिलाफ कमलनाथ ने मोर्चा खोल दिया और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे कि राष्ट्रपति शासन की अगर बात हो तो सारे प्रदेशों में हो, यानी कि गुजरात में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, उत्तराखंड में भी हो और महाराष्ट्र में भी हो, क्या यही कारण है? देखिए ऐसा है कि ये इस समय जो राजनीति का जो सवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस तो धरातल की बात कर रही है, ये राजनीति की बात नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब राणा जी जो हैं हमारे महाराष्ट्र के महामहिम जी के पास जा रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्यों ये केंद्र से ये व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हैं कि वहाँ पे जो लोग प्रवासी हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनकी व्यवस्था कैसे हो बचने की, इस पर बात क्यों नहीं करते राणा जी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये इस समय भारतीय जनता पार्टी उल्टा छोर कोतवाल को डांटने की बात कर रही है। खुद इन्होंने उनके कर्मों की वजह से आज हिंदुस्तान इस चीज को भुगत रहा है। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में फरवरी में इस बात को कह दिया था कि कोरोना जो है वो हिंदुस्तान में आ सकता है, विदेशों में स्थिति खराब है, तो इनको हवाई यात्राएं बंद करनी चाहिए थी। और नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ राज्य में तो बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि हमारे लोग चिल्लाते रहे विभिन्न प्रांतों में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के लोग चिल्लाते रहे कि हमको वापस बुलाओ, लेकिन यहाँ से कोई फरमान नहीं गया।
इनके जितने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वो कभी बोलते मैं नहीं आपसे सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे प्रदेश में अब तक पूरी जांच नहीं हुई जो लोग आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन होकर उनकी जांच पूरी नहीं हुई बहुत धीमी गति से चल रही है तो क्या शिवराज जी की सरकार फेल हो गई है इसके पीछे के कारण क्या इसके पीछे मायने क्या है बिल्कुल फेल है इसके पीछे मायने ये हैं कि जब सरकार कुछ काम नहीं कर रही है क्यों नहीं सरकार सबको बुला करके सुझाव मांगती है क्यों नहीं राष्ट्रीय विपक्षी दलों को बुला करके सरकार बात करना चाहती है कि क्या करना चाहिए क्यों किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए कांग्रेस जन पूरी सड़कों पर है घर घर में जाकर के लोग मदद कर रहे हैं सारे लोग लगे हुए हैं और उसके बाद ये राजनीति करते हैं मैं प्रदेश की बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने लोगों को सामान वितरण की बात की हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का सवाल नहीं है सवाल कोरोना से लोगों को बचाने का है जी अरे भाई कोरोना से बचाने के लिए ही जो युद्ध स्तर पर काम हुआ उसकी पूरी विश्व में प्रशंसा हो रही है फेम इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 99.6% वोट के आधार पर देश का सबसे प्रथम व्यक्ति और सबसे मजबूत व्यक्ति माना है योगी जी दूसरे नंबर पर है अमित शाह तीसरे नंबर पर है फेम इंडिया में आप कह रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही है मैं ये कह रहा हूं कि कोई उनको प्रथम नंबर पर रखे किसी नंबर पर रखे लेकिन जमीनी हरकत आज हकीकत यह है कि पूरा देश तबाह हो चुका है बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है और तमाम गरीब जो है दाने दाने को तरस रहा है कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है जो क्वारंटीन सेंटर में हमारे उत्तराखंड में रखे गए हैं जरा उनकी स्थिति आकर के देखे सरकार उनको पूछो ना मुख्यमंत्री जी खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं इनको पूछा जाए कि वो किट क्यों नहीं अभी तक हमारे पूरे डॉक्टर्स को प्रोवाइड की गई वो किट क्यों नहीं अभी तक हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनको प्रोवाइड की गई वो किटें जो है हमारे पुलिस वाले हैं या जो भी जो हमारे जो तमाम सफाई कर्मी हैं उनको क्यों नहीं प्रोवाइड की गई और जो टेस्टिंग की जा रही है बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है हाई कोर्ट ने हमारे यहाँ आदेश दिया है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर रोका जाए तो ये सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी सरकार ने कहीं ये नहीं समझा कि विपक्षी पार्टियों को बुला करके उनके राय ली जाए और सब मिल करके इस कोरोना महामारी से लड़ करके युद्ध लड़े ताकि हमारा प्रदेश हमारा देश खुशहाल हो सके बच सके ऐसा कुछ नहीं किया गया केवल राजनीति की गई मोदी किट बांटे जा रहे हैं हमारे लोग जहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने जहाँ पे राशन वितरण की बात की उनको भगाया गया आपको पता है कोरोना से पहले हमारे यहाँ इसकी जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी कोई किट बांट रहे मोदी पुणे में और आज कितनी लैब है उसकी जानकारी है आपको ये लॉकडाउन का ही फायदा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से ही महामारी इतनी तेजी से नहीं फैल पाई है जितनी तेजी से फैलनी चाहिए नहीं नहीं मेरा कहना यह है कि क्या ये चाहते थे कि पूरी जब सब मर जाए तब जाकर के ये लैब खोलते जैसे जैसे स्थिति आती है सरकार की जिम्मेदारी होती है उस स्थिति को फेस करने के लिए 10 times तैयारी करके रखे आज मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कितने वेंटिलेटर सरकार ने खरीदे हैं टेस्टिंग लैब की जहां तक बात करते हैं एक टेस्टिंग लैब के जो रिपोर्ट आ रही है पहले आ रहा है कि तुमको कोरोना नहीं है दूसरे दिन आ रहा है कि उनको कोरोना है तो ये टेस्टिंग लैब भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि टेस्टिंग लैब भी कई कई जगह पर फेलियर हो रही हैं और जो टेस्टिंग लैब है उन टेस्टिंग लैबों में जो वहाँ पर टेस्टिंग का जो आंकड़ा है जो स्पीड है वो बहुत धीरे है धीमी गति से चल रही है तो उसको बढ़ाया जाए हमारा कहना ये है सरकार खुद और उसका जवाब जनता देगी कांग्रेस आज भी पूरे देश के साथ खड़ी है हमारी सोनिया गांधी जी हमारे राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी और हमारे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं जी ठीक है नेताजी साहब आएंगे रजत जी साहब आपने कहा कि राहुल गांधी इमैच्योर है शिवसेना के उद्धव ठाकरे इमैच्योर है लेकिन क्या नारायण राणे मैच्योर है
ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन की मांग करना। देखिए नारायण राणे जो है वो महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही परिपक्व लीडर हैं। हाँ। और एक समय में नारायण राणे का बिल्कुल आप कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, हम सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वो पूरे तरीके से मैच्योर्ड है, बाकी लोग इमैच्योर्ड है? नहीं, मैच्योर के दो रीजन मिल रहे हैं ना आप देखिए। पहला रीजन ये कि राहुल ने क्या कहा कि साहब लॉकडाउन फेल हो गया। आप राणे की बात करिए, क्या राणे साहब पूरी तरीके से मैच्योर है भाई? तो इस समय राष्ट्रपति शासन की मांग करनी थी। आ रहा हूँ संजय जी। देखिए अगर वो राज्यपाल के पास गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने उस स्टेट का नजारा लिया होगा, समझे होंगे, उस समझ के वो गवर्नर साहब के पास गए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो स्टेट की स्थिति को समझते हैं, वो मैच्योर लीडर हैं, ये सही है, वो मैच्योर लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि मैच्योर लीडर नहीं। और इमैच्योर दो कारण से मैंने कहा है। पहला कारण जान लीजिए कि राहुल आधे सेकंड में नहीं, पत्रकार है जी, बहुत अच्छी तरीके चीजों को समझते हैं, मैं कुछ जानकारी आपसे हासिल करना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें समझना चाह रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या सिर्फ महाराष्ट्र में फेल्योर हुआ है, गुजरात में नहीं हुआ है? देखिए ऐसा है जी, पहले इमैच्योर वाला जान लीजिए कि इमैच्योर मैंने कहा है तो क्यों कहा है ये भी जानना चाहिए। इसलिए कहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन फेलोर है। देखिए लॉकडाउन फेलोर कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये देश में जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री 90.99.2, जो योगी जी 97.0 की बात मान लिया, मैं आपसे समझ गया कि सहमत हो गया कि राहुल गांधी इमैच्योर है और उद्धव ठाकरे दो घंटे पहले फ्लाइट बना करते हैं कि फ्लाइट नहीं आएगी मुंबई में। मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा, क्या नारायण राणे मैच्योर है? बिल्कुल नारायण राणे मैच्योर है, कुछ ना कुछ इस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति, देखिए अगर अगर पत्रकार के हिस्से से पूछ रहे हैं तो अभी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उनको नहीं करनी चाहिए। फिर कैसे मैच्योर? क्यों नहीं करनी चाहिए, सुन लीजिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों किया फिर उन्होंने? इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों किया फिर उन्होंने? नहीं, इन्होंने तो बिल्कुल जो है वो अभी भारत की बात नहीं है, अभी भारत की बात नहीं है, वो वही व्यक्ति है जब सरकार बन रही थी, क्योंकि अभी कोरोना पहले छह महीने सरकार बन रही थी तो वो व्यक्ति ऐसा था। संजय जी एक सवाल और पूछ, एक सवाल क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी, तो उनसे समझना बहुत जरूरी है। क्या मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि क्या 105 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी बाहर बैठी हुई है, 54 विधायक लेकर के शिवसेना के मुख्यमंत्री बने हुए, क्या ये पीड़ा है क्या? नहीं, ये पीड़ा नहीं कही जाएगी। हाँ। पीड़ा तो देखिए हर राजनीतिक व्यक्ति को रहती है पीड़ा कि हम सत्ता शासन में रहें, लेकिन जब एक सरकार वहां बन गई है और सरकार बन गई और सरकार बन के वो चल रही है तो ये बहुत जल्दी पीड़ा भी नहीं दिखानी चाहिए कि साहब हमारी सरकार आ जाए, ये पीड़ा नहीं है। ठीक है संजय जी, आप ही बता रहे हो, सब आपसे भी कुछ मुझे थोड़ा समझना ये है कि जब आपको कामगारों की जरूरत थी आपने बुला करके उनको खूब काम दिया और जैसे ही काम खत्म हुआ आपने उनको लात मार दिया, माफ करिएगा मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिस तरह से हमारे भाई बहन और 1400 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चले हैं, जिस तरह से हमारी माताओं ने सड़क पर बच्चे जन्मे हैं, मौत हो गई है और कुछ लोगों कुछ की जिंदगी बच गई है, उनको लेकर चले, ये शोभा देता है? नहीं जी, मैं आपकी बात का बड़ा सीधा जवाब दे रहा हूँ, सीधा जवाब मैंने अभी इससे पहले आपसे अपने उसमें कहा था डिबेट में कि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं कामगारों से मेरा बिल्कुल आत्मीयता से संबंध रहता है। अब मैं बता दूं आपको, जब पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जो भी हमारे प्रवासी मजदूर कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं दूसरे प्रदेश में, अगर उनको 4 दिन 10 दिन काम नहीं मिला तो वो उस साइड पे उस जगह पे रुकना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि 3 दिन लॉकडाउन था, तेजी लॉकडाउन था सर, हमारी बात पूरी बना दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा, इसमें वो पूरा पैनिक हो गए। हाँ। हर एक ही महाराष्ट्र के नहीं हुए। हाँ। आपने दिल्ली में भी देख लिया, महाराष्ट्र में भी देख लिया, आपने कर्नाटक में भी देखा, गुजरात, सब जगह से आदमी आए, सब जगह से आदमी आए। 87 करोड़ रुपया, 87 करोड़ रुपया 7.5 लाख लोगों को बाइज्जत खाने के साथ ट्रेन मेटाल के बगल से उनको बाकायदा भेजा हुआ है 7.5 लाख लोगों को। जो रोटियां लेकर के निकल रहे थे मजदूर भाई, 40 किलोमीटर पैदल चले थे और फिर ट्रैक पर सो गए थे, फिर मौत के आगोश में सो गए, उनको सब कुछ मिल रहा था क्या? ट्रैक पे चल रहा है, ट्रैक पे रेलवे की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं यहाँ पे रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। नहीं, रेलवे ट्रैक पे जो आदमी चल रहा है वो रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है, पता कर लीजिए। वो रेल मंत्रालय रेलवे ट्रैक पे चलने का किसी का अधिकार नहीं, बल्कि उसमें चलने से दफा लगती है, तो रेल मंत्रालय वहां पर रेल
मंत्रालय देख नहीं पाया कि हमारे मजदूर 100 किलोमीटर दूर चले आए हैं। आखिर अगर महाराष्ट्र में हमारे प्रवासी भाइयों को खाना मिलता और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाता तो वो वहां से ना निकलते क्यों? तो मैंने कहा तो भी आप ही नहीं निकलते वहां से, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और आज देखिए अब यही मजदूर वहां महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, सब जाएंगे महाराष्ट्र में, यही जाएंगे वहां पर। ये जानते हैं कि ये होकर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो चाहते हैं कि वो चले जाए उत्तर प्रदेश में, लोगों की अपनी राजनीति है। बहुत तरीके से परेशान किया गया है मजदूरों को वहां, कभी बांद्रा में भीड़ निकल आई, कभी जो है कुर्ला में भीड़ निकल आई, क्यों निकल आई भाई भीड़ निकल आई? आपने क्यों नहीं रोका? महाराष्ट्र सरकार है, आपको रोकना चाहिए, आपको सम्मान से भेजना चाहिए। आज 150 ट्रेनें वहां खड़ी रही, रेल मंत्री बयान आया है वहां पर किसी मजदूर को वहां के महाराष्ट्र सरकार ने स्टेशन तक नहीं भेजा। आप ऐसी बात करेंगे नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? देख लीजिए मजदूरों को सहूलत दीजिए और मजदूरों शरीर रोकिए, नहीं चल पाएंगे मजदूरों को वहां रोकिए, मत आने दीजिए, पैसा दीजिए, जाति झंडा मत मारिए, रोटी दीजिए। मगर देखता हूँ सौ रुपए रहते हैं, अरे हमें कुछ पांच रुपया मेरे पास बचा है, आपकी बात होगी। जरा जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश पांडे जी, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ महाराष्ट्र की और दिल्ली की सरकार ही विफल हुई है? क्योंकि दिल्ली पर आप लगातार हमला कर रहे हैं, महाराष्ट्र पर हमला कर रहे हैं, बाकी जगह सब ठीक चल रहा है पूरे देश में? नहीं, ठीक कहीं नहीं है ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो मैं पहला ही आप जब पहला प्रश्न पूछे थे जी, तो शिवसेना तो हमारी वैचारिक सहचर रही है भले आज जहां है, लेकिन मैं कह रहा था कि हमारा सबसे प्रबल वैचारिक प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट होता है। और प्रधानमंत्री जी ने और तमाम सांसदों ने बता रहा केरल की प्रशंसा की है तमाम के बाद, तो इसलिए ये पूरे राष्ट्र पे आपदा। और जहां तक ये सवाल है कि महाराष्ट्र और दिल्ली का, तो महाराष्ट्र आप जानते हैं कि औद्योगिक राजधानी है ही है, और वहाँ एक जो सत्ताधारी दल है वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को भैया कह के जैसी नस्ली टिप्पणी करता है, जैसे हमले करता रहा है, और इसी कारण से बड़े दोयम दर्जे से बड़े हिकारत से उनको निकाला गया है, तो वो पीड़ा और बढ़ जाती है। क्या आपकी पीड़ा कहीं ये तो नहीं है कि आपके साथ वैचारिक बहुत ही घनिष्ठता थी शिवसेना की, और वही शिवसेना 54 विधायक लेकर के सरकार मुख्यमंत्री बनी हुई है, आप 105 विधायक लेकर के बाहर बैठे हुए? नहीं नहीं, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वक्त नहीं है, वो अपना जिसके साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री सक्रिय तो दिखे, प्रशासनिक अक्षमता उनकी साफ दिख रही है और वो आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र के प्रधान मुख्यमंत्री असफल है? पचासी% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री सही है वो, आप कैसे कहते हैं मुख्यमंत्री असफल है? आप कैसे कह रहे हैं? इनको डिबेट नहीं है भाई, कहां से पकड़ ला रहे हैं? आप कान पकड़ के आ गए भाई, आप कान पकड़ के आ गए ना, आप उल्टी सी बात बोल रहे हैं, दूसरा जवाब नहीं दे क्या? एक बार हो गया, एक बार हो गया, आप उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, पत्रकार है उनको नहीं बोलने दे रहे, क्या मतलब है? आप संजय भाषा बोल रही है, आप संजय भाषा बात करिए, संजय जी अपने समय पर बोलिए भाई, आप अपना संभाल के रखिए, हम आपको पूरा समय देंगे। हाँ पांडे जी अपनी बात रखिए पूरी। नहीं, मुख्यमंत्री की सब देखिए विफलता यहाँ कोरोना त्रासदी से निपटने के संदर्भ में, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा, उनका गठबंधन या उनकी प्रशासन क्षमता क्या है, अब वो स्वाभाविक है कि आंकड़े बता रहे हैं कि 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के 60% केस हैं जी, तो क्या एक ही राज्य में आपको कौन कह रहा है? अब अगर देखिए हम तो एक लोकतांत्रिक दल है, अगर हमारे राज्य के किसी मुख्यमंत्री में ऐसी शिथिलता देखी गई, प्रशासनिक अक्षमता आप जानते हैं
कि कोई भी आवाज नहीं होगी, बड़े आराम से नेतृत्व परिवर्तन भी करा देंगे। कोई वो नहीं, वो तो रीड हो रहा, दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे, और वो करती रही है भाजपा। लेकिन वो तो क्षेत्रीय दल के सर्वोच्च नेता है, तो उनको तो याद दिलाने के लिए राज्यपाल अगर साहब से मिल रहे हैं तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सजग करिए। ये मुरारे साहब ये नहीं कहेंगे भाजपा की सरकार बनाइए, उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लागू है, उन्होंने खाली मिले नहीं है, नहीं जी, राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प बचता है। अच्छा। आपदा घोषित है, आपदा तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, नहीं मध्य प्रदेश में अगर वैसे हालात हो जाए तो निश्चित रूप से कहा जाएगा। गुजरात की क्या बात करें, गुजरात में वैसे हालात नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेतानी साहब करू करेंगे, नेतानी साहब सर मैं एक बात कहूंगा फिर आप जल्दी। मैं एक बार गुजरात में हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी और वेंटिलेटर जो खरीदे गए थे, वेंटिलेटर जो खरीदे गए थे वो भी सब खराब निकले, तो वहाँ सरकार का सही है क्या जी? वही गुजरात माला निरंतर वहाँ पर बढ़ रहे मरीज, तो सही होगा सही क्या? ठीक है नेतानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। आवाज नहीं आ रही इनकी, संजय जी आ रही है? वहां पर जाकर के राज्यपाल से मिलना क्या अच्छी बात है? हरियाणा में आप देखिए क्या स्थिति हो रखी है, इनके शासित राज्यों में क्या स्थिति हो रखी है, और जो उत्तराखंड में सबसे फेलियर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में है, सबसे फेलियर है, इनको कुछ अता पता नहीं है, बस ऊपर वाले की कृपा से ये बैठ के अपने क्वारंटीन होकर के आंकड़ों के आधार पे अपने प्रदेश को चलाने की बात कर रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का फैसला जनता का फैसला होता है, वोट देने का वो उनका सोचना है, लेकिन आज उत्तराखंड में मैं मानता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति हमारे उत्तराखंड राज्य की है। हमारे दूर दराज के इलाकों में जहां पर सुविधा स्वास्थ्य की नाम मात्र की है, अगर जो क्वारंटीन सेंटर हैं उन पे टेस्टिंग नहीं होगी, जो वहां रखे गए हैं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होगी। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, देहरादून में हमारा ये हमारा जो स्पोर्ट्स कॉलेज है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, उसकी स्थिति ये है कि वहां पर जो क्वारंटीन में रखे गए थे पहले पहला ग्रुप, उनमें से चिन्हित हुए वो उनके इलाज के लिए चले गए, दूसरा ग्रुप आया उन्हीं बिस्तरों में उनको सुला रहे हैं, वहां कुत्ते घूम रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को इतनी होश नहीं है कि अपनी नाक के नीचे देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जाकर के निरीक्षण करें? तो इंटीरियर की बात छोड़िए, हमारा उत्तराखंड बिल्कुल भौगोलिक परिस्थितियों से पांडे जी से पूरे देश की स्थिति से भिन्न है। हमारे यहाँ बहुत दूर दराज के लोग रहे, बिल्कुल भौगोलिक परिस्थितियों से क्वारंटीन करके लोग रखे गए थे, वहाँ कुत्ते लौट रहे। साहब आप बहुत भाग्य वाले प्रदेश से हैं, क्योंकि जिस दूर दराज की आप बात कर रहे हैं, आपके पिथौरागढ़ चमौली उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है वो ऑलरेडी सामुदायिक संक्रमण के किसी भी प्रकार की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो जो आपने भी स्वीकार किया है कि ईश्वर से बचाए हैं, वो ईश्वर जो भी कहिए, लेकिन प्राकृतिक जो स्थिति है आपकी वो आपकी रक्षा कर रही है। और जहां तक क्वारंटाइन सेंटर की बात आप कर रहे हैं तो उसमें तो डिस्टेंसिंग है ही है, और उसके लिए कोई 5-स्टार होटल नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन है, प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वही पूरे देश में। आप वहाँ की बुनियादी सुविधा को दूसरे सुविधाओं से मत जोड़िए, बस ये आप देखिए कि वहाँ चेकअप रेगुलर हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी रहे, और वो पूरे देश में। इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बहुत भयंकर स्थिति में जाने वाला है। मुख्यमंत्री का सोने का आधार ये है नेतानी जी की, जो मुख्यमंत्री सिटी होगा वो आंकड़े खुद तैयार कर देंगे, जो कोरोना का संक्रमण होगा उसे हम आप रोक नहीं पाएंगे, वो सार्वजनिक रूप से दिखेगा, मौत को भी कोई नहीं डाल पाएगा। तो आंकड़े आपके मुख्यमंत्री को जागृत सिद्ध करते हैं कि वो सक्रिय है, जागृत है, और आप कोरोना संकट को ही तो आधार बनाकर बोल सकते हैं। वो
बाकी राजनीतिक गुण अवगुण के आप विपक्ष के नाते कुछ कहिए, लेकिन कोरोना संकट में उत्तरांचल की स्थिति कोई भयावह नहीं है ना थानी जी, आंकड़ा ले आइए। लोगों ने किया, सारी पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन आप आज जो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति सबसे बड़ा नेता अटल जी भी मानते थे, ये इसके पहले की सारी सरकारों का योगदान है। मोदी जी कब आपको बता दिया कि कांग्रेस नहीं कर रही है? ये दूसरे कीचड़ उछालने का व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, पांच बार तो मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके प्रधानमंत्री जी। नेताजी साहब, ठीक है, नेताजी साहब, एक सवाल मेरा आपसे है। जयप्रकाश जी ने एक शानदार सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, और राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार फेलियर है, लॉकडाउन लगाने में फेलियर रही और उसके बाद लॉकडाउन को उठाने में भी फेलियर रही। आज सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में झोंकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इस निकम्मी सरकार ने किया है, और इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ जो है आपके इस्तीफा मांग लिया, ठीक है ना धनी साहब, यही इसी राजनीति पर तो मैं बात ही कर रहा था। कोरोना तो सब खत्म हो गया, सियासत जारी है। राजा रजू साहब, क्या कहेंगे, कोरोना समाप्त हुआ और सियासत जारी? देखिए अभी जो इनकी बात आई है नथानी जी की, वो साफ साफ लग रही है कि राजनीति की बात है, कोई कोरोना कोई बातें नहीं कर रहे हैं, वो खाली प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। करंट पोजीशन ये है कि जो कोरोना से फाइट किया जा रहा है उस फाइट में आप कितना सहयोग कर रहे हैं, कहीं लाके आगरा में बस खड़ी कर देंगे आप, फिर उसके बाद ये करेंगे, चिट्ठी चलेगी, चपाती चलेगी। अरे जिसको करना होता है वो चोरी छिपे भी जाके रात में जो है वो अनाज बांटाता है, गरीबों को जाके ले जाता है, गल्ला दे आता है, रुपया दे आता है, पैसा दे आता है जिसको मदद करना होता है, और जिसको राजनीति करनी होती है वो हल्ला मचा के करता है। अब ये इस्तीफा मांगने का बहुत दौर नहीं है कि हमारे नेथानी जी इतने बताइए इतने बड़े मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। अरे प्रधानमंत्री तो रोक रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उसको आप बता दे रहे हैं कि साहब लॉकडाउन फेल हो गया, इसके मतलब पूरी दुनिया में काम दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं लॉकडाउन ये नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना वायरस को नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। अगर राष्ट्रपति शासन मांग लगाना उसने क्या, अगर वो राजनीति कर रहे थे क्या विपक्ष राजनीति कर रही क्या? महाराष्ट्र में 105 विधायक है, कितने विधायक राष्ट्रपति के लिए काम किए हैं, है? इतने सांसद है, कितने निकले काम किया, किसने अपनी मनी ट्रांसफर की गवर्नमेंट को, किसने कितने लोग किए, 105 विधायक है वो आज तक काम किए मनी मुख्यमंत्री के साथ। एक बिहार से फोन आता है विधायक का, एक विधायक का फोन आता है कि साहब वहां पे प्रवासी मजदूर जो फंसा हुआ है उसकी मदद करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपने हाथ से नंबर नोट करके और वहां पे मदद पहुंचाते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से बात चर्चा नहीं की जाती, लेकिन ना वो सीधे राज्यपाल क्या पहुंच गए कि राजनीति शासन लगा दीजिए हम सरकार बनाने को तैयार। ठीक है नेतानी साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है, नेतानी साहब एक सवाल सुन लीजिए, नेतानी साहब सवाल सुन लीजिए, समय कम है। सवाल ये है कि आप हर चीज में सवाल खड़े करते हैं, पीएम केयर फंड में भी सवाल खड़े करते हैं आप लोग, लॉकडाउन लगाने पर सवाल खड़े करते हैं, लॉकडाउन उठाने पर सवाल खड़े करते हैं। देश इस समय देश को चाहिए कि एकजुट होकर के चले, सवाल उठाने का समय नहीं है ये। देखिए हमारा माननीय विश्वकर्मा जी, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम समाधान की बात कर रहे हैं। हम ये समाधान करना चाहते हैं कि जो हालात पूरे देश में हुए हैं, इन हालातों को सुधारने के लिए सारे दलों को लोगों को बुला करके वहां पर प्रधानमंत्री जी को उस तरीके से उसका समाधान करना चाहिए। हम हालात खड़े पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। आप समाधान करो ना, आप वहां पर जो हमारे यहाँ हमारे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ किट प्रोवाइड कराओ, हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग की जा रही है उसकी स्पीड बढ़ाओ, हमारे यहाँ राशन की व्यवस्था करो, हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन सब चौतरफा राजनीति चल रही है। देखिए ऐसा है कि वर्तमान समय में किसी भी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत, हम राजनीति नहीं करने की जरूरत, राजनीति नहीं करने, इस पर काम करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जो राजनीति इसको हटाने कोरोना वायरस को खत्म करने में एक जरूरत काम आ जाए, मजदूरों को लाइए, मजदूरों को पहुंचाइए,
मजदूरों को लाइए, मजदूरों को पहुंचाइए। अरे ये नया काम शुरू हो जबकि कोरोना वायरस की बात करेगा। पूरे देश अरे कांग्रेस तो तहे दिल से इस भारत माता की सेवा करना चाहती है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। राजानी जी साहब आपका शुक्रिया, पांडे जी आपका शुक्रिया और द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक ओर जहां देश कोरोना से पीड़ित है, कोरोना महामारी चौतरफा फैल रही है, देश के 5 बड़े राज्य जहां पर 60% से ज्यादा केसेस हो गए हैं और अगर 5 और राज्यों को मिला लें तो 70% केसेस हैं और जो आंकड़े लगातार 3,000 थे वो बढ़कर के 6,500 प्रतिदिन हो गए हैं, उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। ध्यान इस समय राजनीति पर है, सरकारों को कटघरे में खड़े करने की राजनीति चल रही है, लेकिन समय यह ठीक नहीं है। इस समय होना तो ये चाहिए था कि सब मिल करके राजनीति से दूर रहें और कोरोना से लड़ाई में एकजुट होकर के देश के सामने खड़े रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।